अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेस्ट फीस। गौतम गंभीर को भारतीय टीम का मुकरर कर दिया गया है नया कोच। कौन होगा गौतम गंभीर का नया असिस्टेंट कोच, नया बॉलिंग कोच, नया बैटिंग कोच? ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल खड़े हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि गौतम गंभीर की सैलरी आया कितनी होनी जा रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि गौतम गंभीर का जो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलते हुए रवैया था, क्या वो अब भी वही रवैया होगा, या गौतम गंभीर अब एक फादर फिगर हैं क्योंकि टीम के वो कोच बन चुके हैं, तो क्या इस रवैये में कोई तब्दीली आएगी? आज इन तमाम सवालात को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यस यस, पड़ोसी मुल्क भारत में बहुत ज्यादा इन दिनों हलचल नजर आ रही है, वहां पे क्रिकेट के हवाले से बहुत ज्यादा सरगर्मियां नजर आ रही है। बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती, फिर जिस तरह इंडियन क्रिकेट टीम का रिसीव हुआ मरीन से, मरीन बे पे, देन उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम अब जिम्बाब्वे में मौजूद है, वहाँ इंडियन क्रिकेट टीम की सीरीज चल रही है T20 मैचेस की, और अब इंडियन क्रिकेट टीम के नए कोच आ चुके हैं गौतम गंभीर। देखें, गौतम गंभीर का कोच मुकर्रर होना ये तो फिक्स ही था, अब बस इसका फैसला अनाउंस कर दिया गया कि अब जैसा पाकिस्तान में होता है ना, जिसको लगाना होता है, लाइक जिसकी ज्यादा अब सेव बन रही है, जिसका ज्यादा मौके लग रहे हैं, जिसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, उसका नाम पहले ही फाइनलाइज कर दिया जाता है, फिर बाद में एक टाइम पे उसको अनाउंस कर दिया जाता है। और अब गौतम गंभीर फाइनली अनाउंस कर दिए गए इंडियन क्रिकेट टीम के कोच होंगे, राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करने जा रहे हैं। देखें, गौतम गंभीर एज ए प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम को बड़े सालों तक उन्होंने सर्व किया, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए टाइटल्स जितवाने में बड़ा किरदार रहा गौतम गंभीर का। आप 2007 का वर्ल्ड कप देख लें, उस फाइनल में पाकिस्तान के अलावा उन्होंने 75 रन बनाए। फिर 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, वहां पे उनकी जो 97 रन की इनिंग थी, सब लोग महेंद्र सिंह धोनी की इनिंग्स को याद रखते हैं, लेकिन गौतम गंभीर के साथ हमेशा से शायद ये होता है कि वो परफॉर्म तो बड़ा बड़ा करते हैं बड़े मैचेस में, लेकिन दूसरों की कारकर्दगी में कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की कारकर्दगी थोड़ी दब सी जाती है। लेकिन गौतम गंभीर की जो कारकर्दगी, आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते। गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट टीम को टाइटल जितवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ऑन द अदर हैंड, वो थ्रू आउट द करियर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट्स में एक बड़ा पिलर वाला रोल थे, एक बड़ा तगड़ा प्लेयर था इंडियन क्रिकेट टीम का, एज ए ओपनर भी, एज ए वन डाउन भी, मिडल ऑर्डर में भी, उन्होंने हर नंबर में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म किया है। आईपीएल में वो केकेआर को लीड करते रहे, केकेआर को उन्होंने टाइटल तक जितवाया, एंड देन फिर वो बाद में मेंटोरशिप के रोल में आ गए, वहां पे उन्होंने पहले लखनऊ सुपर जायंट की 2 साल मेंटोरशिप की, फिर इस साल वो कराची कह रहा हूँ अब यार मुझे पता नहीं क्या हो गया, आई एम रियली सॉरी, मैं डिस्टर्ब नजर आ रहा हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के वो 7 अटैच थे, और कोलकाता नाइट राइडर्स की उन्होंने मेंटोरशिप की, और कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सीवी है यार गौतम गंभीर भी, ऐसा कोई ऐरा वेरा का कोच नहीं है, ठीक है। राहुल द्रविड़, देखें राहुल द्रविड़ का एक ड्रीम रन था, देखें राहुल द्रविड़ कहाँ से आए, वो अंडर 19 के साथ पहले उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, अंडर 19 से वो मेन टीम में आए, और मेन टीम फिर देखें वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीते, टाइटल जीत कर उन्होंने एक अपने ड्रीम रन को एंड ऑफ किया। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यही सबसे बड़ा मसला है, हमारा जो बड़ा प्लेयर है ना, राहुल द्रविड़ से बड़ा नहीं होगा, लेकिन राहुल द्रविड़ ने देखे कहां से अपने कोचिंग करियर का स्टार्ट किया, वो सबसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट से ले लें, और अंडर 19 लेवल से, जूनियर लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया। हमारा जो बड़ा प्लेयर है वो जूनियर लेवल पे काम करने को तैयार नहीं है, यहां वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आएंगे, हमें जी सीनियर मैनेजर का ओहदा दें, हमें डायरेक्टर का ओहदा दें, हम टीम के साथ काम करेंगे, फिर यहां आके उनकी प्लेयर्स के साथ टेसल्स बनती हैं और फिर काम सही नहीं होता, और फिर वो तीसरे चौथे महीने वो घर बैठे होते हैं। ये माजी करीब में कई मिसालें, आप रीसेंट एग्जांपल उठा के देख लें, वहाब रियाज, वो एज ए सीनियर मैनेजर आए, कहीं इससे पहले उनके पास तजर्बा नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग का, कोई अंडर 19 की कोचिंग का, कोई लीग क्रिकेट में कोचिंग का। देन अगर आप चले जाएं हफ मोहम्मद हफीज की तरफ, उनका यही हाल था, उनके पास कोई कोचिंग का तजर्बा नहीं था, किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं था, डायरेक्ट वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। अब उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो मिसबाह उल हक, कोई उनके पास तजर्बा नहीं था कोचिंग का, उन्हें डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर भी लगा दिया गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच भी लगा दिया गया, और बाद में देखे मसाइल बने, उन्हें चीफ सेलेक्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ी जाके। देखिए, हमारे यहाँ ये मसला चला आ रहा है, हम अंडर 19 में काम करने को तैयार हैं, हमारा प्लेयर कहता है जी बस मैं ऊपर
जाके काम करूँ। और अब देखें राहुल द्रविड़ की, मैं अच्छी बात शेयर करता चलूँ, राहुल द्रविड़ को BCCI ने 5 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया था, लेकिन BCCI से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 2.5 करोड़ दें, बाकी 2.5 करोड़ इक्वली बाकी कोचिंग स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करें। कितनी बड़ी बात है यार, कोई अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता, लेकिन एक बड़े क्रिकेटर की एक बड़ी बात है यार, इसको शेयर करना लाजमी बनता है। देखें अब गौतम गंभीर, पहले जय शॉ ने ट्वीट किया, उन्होंने वेलकम किया जी के और अनाउंस किया गौतम गंभीर हमारे नए कोच होंगे। फिर गौतम गंभीर ने जवाबुल जवाब पोस्ट की कि मैं अब, मेरे लिए ड्रीम है इंडिया को सर्व करना, पहले मैं एज ए क्रिकेटर सर्व करता था, अब मैं एज ए कोच इंडियन क्रिकेट टीम को सर्व करूंगा। ठीक है जी, वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ अटैच हुए, बट इंडिया अब एक नए जर्निंग फेस में है। ठीक है, इंडिया की T20 टीम को न्यू बनाना है, और टेस्ट और ODI में अब विराट कोहली और रोहित शर्मा मैक्सिमम वो चैंपियंस ट्रॉफी तक शायद खेलें, या बहुत खाद है वर्ल्ड कप तक खेल जाए, लेकिन उन्हें एक नई टीम को, एक बेंच स्ट्रेंथ को साथ साथ बनाना पड़ेगा। और फिर विराट कोहली और गौतम गंभीर, ये तो भाई टसल तो है थी उनकी, वो देखे RCB में जब खेला करते थे तब लड़ पड़ते थे, और देन अब देखें अब वो टीम में आ गया, तो अब गौतम गंभीर को ना थोड़ी मछोटी वाली हरकतें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है करेंगे भी। और पाकिस्तान के खिलाफ जो गौतम गंभीर का एक वैसे ही बड़ा हार्ड स्टांस होता है, तो अब वो पाकिस्तान के खिलाफ जब एक्शन में आएंगे एज ए कोच, तब उनका क्या स्टांस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और अब गौतम गंभीर की टीम क्या होगी, अब गौतम गंभीर की टीम में कहा जा रहा है जो कोलकाता नाइट राइडर्स में उनके साथ अभिषेक नायर होते थे वो ऐड होंगे, फिर बॉलिंग कोच में ज़हीर खान और लक्ष्मणपति बालाजी का नाम चल रहा है, तो लेट्स सी गौतम गंभीर इनमें से किसको सेलेक्ट ऑन करते हैं, कौन गौतम गंभीर की 11 में जाके एज ए कोचिंग के रोल में सेलेक्ट होता है। देखें इंडियन क्रिकेट टीम का एक न्यू एरा शुरू हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन टीम को वो एज ए कोच करने आ रहे हैं, कोई टर्मोइल में टीम नहीं है, तो ठीक है बड़े प्लेयर्स भी हैं, तो यहाँ से अच्छी तरह मैनेज करके टीम को लेकर चलना पड़ेगा, तो ही गौतम गंभीर की बल्ले बल्ले होगी। अगर गौतम गंभीर अच्छी तरह टीम को मैनेज नहीं करेंगे तो देखें गौतम गंभीर के लिए भी हालात मुश्किल होते ही जाएंगे। इंशाल्लाह वो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बांध दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पांदाबाद।